आप मुझे बताइए, दिमागी ज्वर, दिमागी बुखार बोलते हैं भाइयों बहनों, 1 लाख से ज्यादा बच्चे मर गए हैं। आप कहिए मेरे भाइयों, एक बच्चा अगर कहीं ट्यूबवेल में गिर जाए, कहीं पर ट्यूबवेल बोलते हैं, ट्यूबवेल में गिर जाए तो देश भर के कैमरा वाले वहां खड़े हो जाते हैं, आर्मी आ जाती है, नेता आ जाते हैं, पत्रकार आ जाते हैं। एक बच्चा ट्यूबवेल में पड़ा हो, सारा हिंदुस्तान उस टीवी पे देखने बैठ जाता है। भाइयों बहनों, यहां पर ये बीमारी ज्वर के कारण 1 लाख बच्चे मरे हैं। भाइयों 1 लाख, आप कल्पना कर सकते हो, सीना चीर जाता है। भाइयों, मेरे देश के बालकों को न मां बेटे की सरकार बचा पा रही है, न बाप बेटे की सरकार बचा पा रही है। इन बीमारियों से बच्चों को बचाना, अच्छा ये बीमारी ऐसी नहीं है कि जिसका उपाय नहीं है, दुनिया के 5 देशों में ये बीमारी आई थी, उन देशों ने साल भर के अंदर अंदर उसका उपचार किया, आज वहां कोई बच्चा नहीं मर रहा है। मुख्य काम होता है पीने का गंदा पानी, अगर पानी का सही प्रबंध हो जाए 1 लाख बच्चे मर जाए, अरे डूब मरो लखनऊ की सरकार, डूब मरो दिल्ली की सरकार, जिस देश के बच्चों को तुम मार रहे हो और वोट मांगने के लिए आए हो। कभी कभार प्राकृतिक आपदाएं हम लोगों के बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। पिछले दिनों अस्पताल में हमारे मासूम बच्चों की मौत हुई, ये सारी संकट की घड़ी, दुख की घड़ी, 125 करोड़ देशवासियों की संवेदनाएं इस आपत्ति में सबके साथ है।